यहाँ जो भी आओगे बिल्कुल अंधा बन के रहना पड़ेगा आपको, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, गहरा बन के रहना पड़ेगा। सही है। अपना देश में 2 रुपए कमा रहे हो, इज्जत से कमा रहे हो। हेल्थी नहीं है आप? हेल्थी नहीं। और फिर भी 40 किलो 50 किलो कैसे उठाते हैं आप? और क्या करें, मजबूरी में करना पता नहीं करेंगे तो सीधा हम लोग का पैसा 900 कटता है भाई साहब। भर के तो याद आ गया, अब क्या करें, अब यहाँ तो आके फंस गए हैं। अब भाई ने भी किया इतना पैसे, 2-2 लाख रुपए लगा कर 2 लाख रुपए लिए। सऊदी चलो, सऊदी चलो, सऊदी चलो। 2 लाख रुपए कमाने में हमको कम से कम 1 साल लग जाएगा यहाँ पर। सही है। 1200 रुपए सैलरी है, उसमें 400 रुपए खा लेते हैं, एक टाइम खाना मिलता है एयरपोर्ट में, वो जो भी खाना कोई काम का नहीं है। बिल्कुल। बीमार भी हो जाने पर यहाँ आदमी को धक्का मुक्का करके काम में भेजा जाता है। अल्लाह जानता और हम जानते हैं, हमारा कोई दुख और मुसीबत नहीं समझता कौन क्या है क्या नहीं है। तो अभी जो हमारे नए लड़के हैं जो आना चाहते सऊदी, तो क्या कहो, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए भाई, अपना देश बहुत अच्छा देश है। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपको इंडियन जो हमारे वर्कर होते हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं उनकी लाइफ। जैसे कल आपने वीडियो देखा था, हमारे इंडिया के जो वर्कर थे एक कमरे में 12 लोग सर्वाइव कर पा रहे थे यार। मतलब लिटरली मैं गाइस मैं एकदम से इमोशनल हो गया भाई उनकी कहानी सुनकर। 1200 रियाल की सैलरी, उसी में खाना रहना पीना, कितना स्ट्रगल करते हैं। तो चलिए एक बार फिर से मैंने उनसे बात किया है और आगे क्या क्या प्रोसेस था सारा कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरी सीरीज आने वाली है भाई कि हमारे जो इंडिया के वर्कर होते हैं सऊदी अरब में कितना स्ट्रगल करते हैं, कितना जॉब आता है, कैसे क्या उनसे मुसीबत आती है और आप कैसे जॉब पा सकते हैं। तो चलिए आज की बात हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबका माइंड सेट बन चुका ना, सऊदी चलो, सऊदी चलो, सऊदी चलो। सऊदी में जिंदगी कैसी होती है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा कि मतलब यार सच में पैसा कितना मेहनत का आता है। तो भाई साहब ये हमारे शफीक भाई है। शफीक भाई मतलब कब से हो गया सऊदी, कितना टाइम हो गया आपको? 14 महीना हो गया। 14 महीना हो गया तो यहाँ तो मतलब सैलरी बड़ी कम है। सैलरी बहुत कम है, अब ये हुनर वाला आदमी तो यहाँ आने नहीं चाहिए। अच्छा, जो भी आदमी हो हुनर वाला। तो आपके पास तो हुनर है, मैंने सुना आपने बताया था मेरे को, तब आप कैसे फिर यहाँ क्यों आ गए? हम तो एक धोखे से आ गए, बोला कि एजेंट बोला कि ऐसे ऐसे काम है, जाओ यहाँ करके क्या करोगे। हम सोचे ये कि चलो जो भी हो, यहाँ तो नमाज रोजा नहीं कर पाते हैं, मरवा जाएंगे इंशाल्लाह, उमरा भी अल्लाह ताला उमरा भी करा देगा, ये भी करा देगा। मतलब एक वो था कि अल्लाह घर घुमाएंगे, अल्लाह घर घुमाएंगे, काम भी पैसा अच्छा मिल जाएगा, काम भी अच्छा मिल जाएगा। मतलब अब आप बताइए आप, मतलब मैंने देखा आप अभी जितनी मतलब हेल्थी नहीं है आप, हेल्थी नहीं, और फिर भी 40 किलो 50 किलो कैसे उठाते हैं आप? और क्या करें, मजबूरी में करना पता नहीं करेंगे तो सीधा हम लोग का पैसा 900 कटता है। तो गाइस देख सकते हैं कितना दर्द है ये भाई इंडिया के, इनके पास मतलब रोजगार भी है, टैलेंट भी है, मिस्त्री थे ना आप? हाँ जी मिस्त्री थे। वहाँ आराम से 1500-1600 कमा रहे थे, लेकिन ये था कि वहाँ जाएंगे तो पैसा ज्यादा आएगा और अल्लाह के घर भी उमरा कराएंगे, हज कराएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे आ गए। और बाकी यहाँ पे आप जिंदगी देख रहे हैं, तो घर की याद आती है नहीं आती है काम करते भाई साहब? घर की तो याद आ गई, अब क्या करें, अब यहाँ तो आके फंस गए हैं। भाई जान ने भी किया इतना पैसे, 2-2 लाख रुपए लगा कर 2 लाख रुपए लिया, 2 लाख रुपए लिया। और गाइस 2 लाख कमाने में आपको 3-4 महीने लग जाएगा। 2 लाख रुपए कमाने में हमको कम से कम 1 साल लग जाएगा यहाँ पर। सही है। 1200 रुपए सैलरी है, उसमें 400 रुपए खा लेते हैं, एक टाइम खाना मिलता है एयरपोर्ट में, वो जो भी खाना कोई काम का नहीं है। सही है। उसे खा करके दवाई खाना पड़ता है, एक ये नहीं करना पड़ता कि ये खा लें दवाई, वो दवाई खाना पड़ता है, वो खाना खा करके वो खाना यानी ना के बराबर है। बिल्कुल। बीमार भी हो जाने पर यहाँ आदमी को धक्का मुक्का करके काम में भेजा जाता है। अच्छा, बीमार हो तब भी जाना पड़ेगा? तब भी जाना पड़ेगा, नहीं जाइए नहीं जाओगे यहाँ क्या कहता है, हॉस्पिटल में जाओगे तुमको हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा, वो ना तुमको यहाँ कोई कफिल लेके जाएगा ना कोई लेके जाएगा, खुद से जाना पड़ेगा, अपना खुद से किराया करके जाओ। क्या कहता है, फतूरा बना के भी देगा, उसको कंपनी से गारंटी नहीं लेगा फतूरा का। अच्छा, तुमको पैसा भरना पड़ेगा अपना। अच्छा अच्छा, और यहाँ की दवा भी अच्छी नहीं होती, यहाँ की दवाई भी अच्छी भी नहीं होती है। तो अभी जो हमारे नए लड़के हैं जो आना चाहते सऊदी, तो क्या कहो, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखो नहीं आना चाहिए भाई, अपना देश बहुत अच्छा देश है। सही है। आए लेकिन तो अपने देख पड़ताल क्या है, अच्छा कपिल है तो बढ़िया है। देख सुन के आए, जैसे भी आए भाई यहाँ क्या होंगे, यहाँ जो भी आओगे बिल्कुल अंधा बन के रहना पड़ेगा आपको, कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, गहरा बन के रहना पड़ेगा। सही है। अपना देश में 2 रुपए कमा रहे हो, इज्जत से कमा रहे हो। अब विदेश में आकर के भैया कभी मत समझना हम पैसे वाला हो जाएंगे भाई, ऐसा काम कभी मत, जिसके पास हुनर हो सऊदी आए, अच्छा जान बुझ कर ये इसमें आए, नहीं अगर ये वर्कर मगर मत आए, टैलेंट काम हुनर करने वाला है, जिसके पास हुनर है वही है, प्लम्बर का हो गया, राजमिस्त्री का हो गया, कोई जो भी काम हो मकान के अंदर वो सब काम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक से हो गया, ये सब जितना भी काम है ये सब काम करने के लिए आए। सही है, सही। मगर इंटरव्यू दे के आए, बिल्कुल कंपनी से आए, ऐसे एजेंट आएंगे फंसा देते हैं। एजेंट लोग बोलता है डायरेक्ट कंपनी, यहाँ लगा सप्लाई में डाल दिया जाता है,
तो भाई साहब ये हमारे भाई है जिनका दर्द है, क्या करें यार, 2 लाख रुपए लगा के आए और देखिए जिंदगी देखी, घर इनका इंडिया में कितना अच्छा घर है, खेती बाड़ी फैमिली सब कुछ थे, अच्छा कमा रहे थे, लेकिन लालच थी कि भाई वहाँ जाएंगे तो कुछ अच्छा होगा, घर के लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन यहाँ आके जिंदगी इनकी ऐसी हो गई। देखो हमारे कोई सुनने वाला भी नहीं है भाई साहब यहाँ पर। अच्छा कोई सुनने वाला नहीं, बस यहाँ हम लोग सिर्फ अल्लाह के सारे जी रहे, अल्लाह कैसे रखे इस हालत में रखेगा अल्लाह जानता और हम जानते हैं, हमारा कोई दुख और मुसीबत नहीं समझता कौन क्या है क्या नहीं है, सिर्फ यहाँ सुबह अपना डर से सो और सुबह फिर अपना काम में जाओ। 12 घंटे लगती नौकरी, 12 घंटे का ड्यूटी है, अब बताए अल्लाह तआला ने किस तरीके से ये कर दिया जो अभी 10 घंटे ड्यूटी हो गया, मगर यह है कि आदमी कभी भी आए 2 काम में मत आए, एक पेट्रोल पंप में एक एयरपोर्ट वाला काम में, अच्छा। चाहे लाखों रुपए दिन क्यों ना हो, ये सिर्फ आदमी को बुर्बक बना करके एयरपोर्ट वाला काम और पेट्रोल वाला काम में मत आइए। मेरे ये दरखास्त है सब ये इंडियन वालों, जो भी इंडियन हो, नेपाली हो, बांग्लादेश जो भी हो, सबसे अपील है कि 2 काम में मत आइए, बाकी जो से भी काम आइएगा इंशाल्लाह पैसा अच्छा कमाइएगा, मगर 2 काम में कभी ये नहीं कि तुमको एयरपोर्ट में जाएंगे वहाँ पैसा अच्छा कमाएंगे टिप मिलेगा, ये सब सिर्फ आदमी का बहम है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ आदमी को सिर्फ धोखा करते हैं आदमी के साथ, ज्यादा पैसा मांगने के लिए एयरपोर्ट का काम इज्जत होगा भाई साहब, एयरपोर्ट का काम इज्जत नहीं, आदमी को सिर्फ ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है जी। तो भाई साहब ये हमारे भाई है, देखो अभी सो रहे थे और मैंने इनको डिस्टर्ब हो गया ये। हाँ भाई, भाई अगर नहीं सोएंगे हम लोग यहाँ सुबह, अगर ये रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में थोड़ा देर काम करते हैं भाई, सांस फूलने लगता है, मैंने देखा बात कर रहे हैं सांस फूल रही है आपकी, दो थोड़ी देर के लिए अगर बैठ जाएं कहीं पर, तो सुपरवाइजर ऐसे हैं कि सीधा फोटो लाके कंपनी में देता है, वो सीधा कंपनी तुम्हारे ऊपर ग्रामा मार देगा, सोने के ऊपर भी ग्रामा मार देता है यहाँ पर, मतलब 1200 रियाल में वो भी कट गए, उसमें भी कट जाता है, यानी इंडिया का जो है 900 रुपए काट देगा लाजिम। तो भाई साहब देख लो कितना, मतलब कहते हो ना सऊदी सऊदी सऊदी, तो अगर आपको अच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप फंस गए तब देखो जिंदगी कैसी होती है, 12 घंटे ड्यूटी, 12 घंटे के बाद फिर सोना भी है, उसी में खाना बनाना है, उसी में कपड़े धुलना है, सारे काम उसी पे, और सैलरी कितनी मात्र 1200, इंडिया कितना बना, वही 22-23 हज़ार बना मुझे लग रहा, 26 हज़ार रुपए करेंसी के ऊपर बात, अच्छा करेंसी के ऊपर है, करेंसी के ऊपर अभी 22 का चला रेट चल रहा है, 26 हज़ार रुपए बस, जो कि हम हिंदुस्तान में मिस्त्री काम करते थे, जो कि हम 25 हज़ार 26 हज़ार रुपए वहाँ कमाते थे, अच्छा घर लालच था कि चल भाई 4 औलाद है, जमीन जगह नहीं है, थोड़ा बहुत जमीन जगह है उसमें रहना सहना है, 4 बच्चे हैं उसके लिए घर भी बनाएंगे अपना भी देखेंगे, मगर ये चीज हमारा आदमी मंसूबा लेके आता है कुछ और, मगर यहाँ सऊदी में हो गया आता है वो कुछ और। सही है सही है सही है। तो भाई साहब क्या बोलूं, चलो अभी मेरे से ज्यादा वीडियो बनाने नहीं जा रहा, बाकी मैंने कहा चलो आपको हकीकत दिखाता हूँ सऊदी की, सऊदी अच्छा भी है, जो अच्छी जगह पर है वो तो अच्छा है माशाल्लाह बढ़िया, लेकिन जो कफिल फंस गए मामला तो भाई बहुत दिक्कत होती है आपको, रहना खाना पीना सैलरी टाइम वगैरह से मिलती नहीं मिलती, जितनी मिलती सैलरी बिल्कुल टाइम पे मिलती है जी, सैलरी में कोई कमी नहीं है जी, जितनी मिलती टाइम से मिलती है, टाइम पे मिलती है सैलरी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बहुत सारे लोग ये भी होता है कि सैलरी बहुत लेट से आती है, किसी का 3-4 महीना 5 महीना साल भर सैलरी नहीं मिलती, तो ये तो अच्छा है कि सैलरी टाइम से मिलती है, बाकी परेशानी बहुत है, अभी भाई ने बताया कि 12 घंटे ड्यूटी थी उस पर कम करके 10 घंटे कर 2 घंटे राहत दे दिए, बस दिक्कत ये कि थोड़ा अब भाई कितने कमजोर है, देखो ये बताओ 40 किलो का गट्ठा उठाने लायक है, इनके सांस फूल रही थी बात करने में, अब बताइए फैमिली वालों के लिए सिर्फ 40 किलो का गट्ठा अपने मतलब सर में लाते हैं उसके बाद लोड करते हैं 10 घंटे में, मान लो अगर 7-8 प्लेन भी आ गए तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा, कम से कम 4-5 घंटा तो इनको कंटिन्यू काम करना पड़ता होगा, है ना, 4-5 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ता है, वो मोटे मोटे गट्ठा उठाने पड़ते हैं, तो पैसा भाई हमें से पैसे का रिस्पेक्ट करो, अब इनकी फैमिली वाले हैं तो उनको चाहिए कि अगर पैसा आ रहा है तो उसको सही से इस्तेमाल करो भाई, क्योंकि पैसा भाई बहुत मुश्किल से आता है, जब अगर कोई आदमी परदेश में काम करता है, आदमी होता है अरे हमारा बेटवा सऊदी में कमा रहा पैसा, हमारा भाई सऊदी में, हमारे पापा सऊदी में है, लेकिन सऊदी में कितनी मुसीबत है ये आज मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं कितनी मुसीबत है, देखो वो फोन चला रहे हैं, ये बैठे हुए हैं, ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, ये मोबाइल चला रहे हैं, इनका दर्द, वो सब लोग काम पे गए, देखो रात की ड्यूटी है, ये सब काम पे गए, तो ये सब मैंने कहा चलो आपको दिखाता हूँ भाई, जो हमारे इंडिया का एक बन गया ना, सऊदी चलते हैं, कुवैत चलते हैं, बहरीन चलते हैं, दुबई चलते हैं, भाई ऐसा करो कि इंडिया पे सेट हो जाओ, या आना चाहते हो तो भाई अच्छा सा इंटरव्यू दो तब आओ, तो पैसा बहुत है, आप अच्छा सा मतलब सऊदी ऐसा भैया है कि भाई बहुत लोग बन गए, अच्छा घर बना लिया, कार ले लिया, तो जिंदगी वहाँ से सेट है, लेकिन जो फंस गया
वो भाई बहुत रोता है। तो गाइस ये होती है सऊदी की लाइफ। जो इंसान सेट है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो इंसान फंस गया एजेंट के थ्रू उसको गाइस बहुत दिक्कत करना पड़ता है। जैसे कि आपने भाई का दर्द देखा, मतलब यार ये जो पंडे ना ये इंडिया में अच्छा खासा कमा रहे थे मिस्त्री। अगर मुंबई वगैरह चले जाओ ना तो मिस्त्री का पर डे का ना 1500-1600 रुपए मिलता है, लेबर का 900 रुपए मिलता है, तो महीने कितना हो गया। लेकिन बस एक उम्मीद थी कि भाई वहाँ जाएंगे थोड़ा अच्छा पैसा मिलेगा, हमारा फैमिली घर बन जाएगा, बच्चे पढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब थोड़ा एजेंट वाला मामला खराब हो गया। तो भाई साहब हमेशा अगर आप बाहर जाते हो तो भाई कंपनीज हैं मुंबई में जाओ, बहुत बड़े वहाँ पे इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे नए वीज़ा आते हैं, वहाँ से आप अप्लाई करो। किसी एजेंट के थ्रू रहोगे तो फिर यही हाल होता है, एक रूम में 12 लोग, 12 घंटे ड्यूटी, 1200 रियाल, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। सऊदी अच्छा है और उतना ही बुरा है अगर आप फंस जाते हो तो। मैंने कहा चलो, क्योंकि उस दिन कल का जो वीडियो था ना उसमें बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो जो हमारे इंडिया के वर्कर हैं कैसे काम करते हैं, कैसे आप जॉब पा सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी चीज़ मैं आगे क्लियर करूँगा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। बस सऊदी अभी भी आना चाहते हो तो भाई पढ़ाई करो, इंटरव्यूज़ होते हैं, कंपनीज़ के इंटरव्यू होते हैं, ऑनलाइन चेक करो, वहाँ जाओ, काम है उसके भी इंटरव्यू होते हैं, हर चीज़ का इंटरव्यू होता है। अगर आप चाहते हो कि हमें कभी फंसना नहीं तो इंटरव्यू दो, उसके दिन बाद आओ, तब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। कंपनी बहुत आराम है, रहना खाना पीना सब फ्री है, उसके बाद अच्छी सैलरी है, घर आने जाने का टिकट है, तो कंपनी बेस्ट है भाई। कंपनी के अंदर काम करो बहुत बढ़िया है, लेकिन बस इंटरव्यू दो, कंपनी के पास जाओ, मुंबई में है कंपनियां, दिल्ली में है, वहां जाके इंटरव्यू दो। तो मिलते हैं एक और प्यारे से वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, लव यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।